बिहार में सरकार बने और नीतीश कुमार जी अपनी मंत्रिमंडल के साथ में शपथ लिए, एक सप्ताह नहीं हुआ और आरोप लगे कि जनादेश इनके पास नहीं है, जनादेश महागठबंधन पे है और इसलिए आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार भी किया। आरोप लगे मेवालाल चौधरी जो नए शिक्षा मंत्री थे कि वो उनके ऊपर वाइस चांसलर के हिस्से से रहते हुए गंभीर अति गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो ये उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। और जब जनाधार ही संदिग्ध है तो केवल एक मिनिस्टर के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आगे आने वाले समय उस पर भी आगे बढ़ेगा, ये हमारी उम्मीद रखते हैं। देखिए, उन पे आरोप लगे थे, हालांकि आरोप बिल्कुल निराधार हैं, लेकिन शुचिता के उच्च मापदंडों का निर्वाह करते हुए नैतिकता के कारण उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया, क्योंकि टेक्निकली इस्तीफा तभी दे सकते थे जब पदभार ग्रहण कर लेते। हमने तो दे दिया, लेकिन जो जो आरोप लगा रहे थे उन पे भी तो आरोप लगे हुए हैं। माननीय युवराज जी पे, तेजस्वी यादव जी क्या कसम खाएंगे कि नेता विरोधी दल अब नहीं बनेंगे? आरोप उन पे भी लगा हुआ है, चार्जशीट नहीं फाइल्ड है। राबड़ी देवी जी इस्तीफा देंगी? आरोप लगाना, इस्तीफा मांगना आसान होता है, देना बहुत मुश्किल है। चुनौती देता हूँ, हिम्मत है तो इस्तीफा दें और हिम्मत है तो कसम खाएं कि नेता विरोधी दल नहीं बनेंगे। इस्तीफा दे रहे तो बनाया क्यों गया था उनको? ऐसा है, मैंने फिर कहा कि आरोप निराधार है, लेकिन राजनीति में कुछ शुचिता नाम की कोई चीज़ होती है। उन्होंने इस्तीफा दिया है और जब न्यायालय उन्हें क्लीन चिट देगा फिर जीतन राम मांझी जी की तरह फिर से वापस आ जाएंगे। ये 2005 की पुनरावृत्ति है अगर आप देखिए तो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।